सुप्रभात बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ हिंदी पाठमाला भाग 6 के साथ। सबसे पहले आज हम लोग कोयल कविता को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो बच्चों, वाचन करेंगे। वाचन करने के साथ साथ इस कविता को आप लिखेंगे भी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बता दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसलिए छाया करने को तुम बादल बुलवाती हो। जो कुछ भी हो तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं, तुम आती हो और ना जाने हम क्या क्या पा जाते हैं। नाच नाच उठते हम नीचे ऊपर तुम गाया करती, मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। उन्हें उठाकर बड़े मज़े में खाते हैं हम मनमाना, आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत ही प्यारी है, उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी बोली बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो चिड़ियों की रानी। शाम हुई घर जाओ कोयल अम्मा घबराती होंगी, बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। हम जाते हैं तुम भी जाओ बड़े सवेरे आ जाना, हम तरु के नीचे नाचेंगे तुम ऊपर गाना गाना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कोयल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहती हैं कि हर एक प्राणी हमें प्रेरणा देती हैं। जैसे कोयल की वाणी बहुत ही मीठी होती हैं, वह सबका मन मोह लेती हैं, इसी प्रकार हम दूसरे प्राणी से भी कुछ सीख सकते हैं। कवित्री कहती हैं कि हे बच्चों, कोयल देखने में काली होती हैं पर उसकी बोली जो होती है वह मीठी होती है, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली है। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे थे हरे हरे थे, और जैसे ही कोयल ने कूकना शुरू किया वे आम खट्टे अब नहीं रह गए बल्कि रस से भरे भरे हो गए। अब जब वो पक कर के टपकेंगे तो हम उसे खा करके खुश होंगे और हमारा मन मयूर हर्षित हो जाएगा। कोयल ऊपर कूकती रहेगी गाती रहेगी और हम नीचे नाचते रहेंगे, उस कोयल को हम उसे बुलाते रहेंगे। कभी कभी कवित्री को ऐसा लगता है कि कोयल कोई ना कोई संदेश लेकर के आई है, क्योंकि
वह अब लगातार डाली पर नहीं आ रही है, वह गाहे बगाहे कभी कभी ही इस डाली पर आती है। इसलिए कवित्री कोयल से पूछना चाहती है कि हे कोयल, तुम क्या संदेशा लेकर के आई हो? कोयल के से कवित्री कह रही हैं कि शायद ये कोयल धरती माँ जो प्यासी रह गई हैं, प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए कोयल अपना गाना गा करके बादल से, मेघों से पानी की मांग कर रही हैं। कोयल से कवित्री यह समझ पा रही है कि चारों ओर जो धूप निकल गई है, इस भीषण धूप से प्राणी जगत को बचाने के लिए कोयल शायद आवाज़ दे करके बादल को बुला रही हैं। हम भी जब कोयल को देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम खुश हो करके हम ऐसा कल्पना करते हैं कि न जाने कोयल ने हमारे लिए क्या क्या दे दिया है। जब कोयल ऊपर गाना गाती है तो हमारा भी मन मयूर नीचे नाच उठने का मन करता है। जब कोयल गाना गाती है तो मीठे मीठे आम जब वो टपकाया करती है तब उसे बड़े मज़े से उठा करके खाते हैं, और यह आमों की मिठास भी कोयल गाने की मिठास से कोई कम प्रतीत नहीं होती है। कवित्री कोयल से पूछना चाहती है कि हे कोयल, तुमने यह मिठास किससे पाई है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यह मिठास तुम्हें अपनी मम्मी से मिली है, अपनी माँ से मिली है। हम भी बच्चे हैं, हमें भी हमारी माँ बहुत ही प्यारी है। क्या कोयल रानी, तुम्हें भी तुम्हारी माँ हमारी माँ की तरह ही प्यारी है? क्या तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें डाल डाल पर उड़ना और गाना सिखाया है? क्या तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मीठी बोली बोलना बतलाया है? तुम बहुत ही भली हो कोयल रानी, तुम सदा माँ की बात मानती रहती हो, इसलिए तो तुम्हें सब चिड़ियों की हम रानी कहकर पुकारते हैं। हे कोयल रानी, अब शाम हो गई है, तुम भी अब घर जाओ। तुम्हारी भी मम्मी तुम्हारी भी माता अब घबराती होगी, जिस प्रकार से मेरी माता घबराती हैं और हम मुझे देखने के लिए बार बार दरवाजे तक आती हैं। तुम भी अब घर चली जाओ, और हो सके तो फिर से कल सुबह सवेरे सवेरे तुम इस तरु के नीचे, इस पेड़ के नीचे आ जाना। तुम ऊपर से गाना गाना और मैं नीचे से नाचती रहूँगी। कवित्री इस कविता के माध्यम से कोयल के को केंद्र में रख करके बच्चों में कोमल सहृदय प्यारी भावनाओं का संचार करना चाहती हैं। बच्चों, इसके बाद अपनी कविता को अपने कॉपी में आप लिखेंगे, अंकित करेंगे, फिर इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर देंगे कि मीठी बोली किसकी है? कोयल की। तो मीठी बोली कोयल की है। कोयल गागा कर किसे बुलाती है? तो कोयल गागा कर किसे बुलाती है? तो कोयल गागा करके हम बच्चों को बुलाती हैं। कोयल मेघों से क्या मांगती है? तो कोयल मेघों से प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। कोयल को देखकर बच्चे खुश क्यों हो जाते हैं? कोयल को देखकर बच्चे क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि जब कोयल आती है तो उसकी मीठी बोली कानों में वो मिश्री की तरह घोली जाती है, और जो हरे हरे कच्चे अमियां होती है वो पक करके पीले पीले और मीठे हो जाते हैं। कोयल के इन्हीं गुणों के कारण बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। कोयल को मीठा बोलना किसने सिखाया है? कोयल को मीठा बोलना उसकी माता जी ने सिखाया है।
कोयल ने सदा किसकी बात मानी है? कोयल ने सदा अपनी माता जी की बात मानी है। माता जी नहीं, माँ। कोयल की माँ बार बार द्वार तक क्यों आती होगी? क्योंकि अब शाम होने को आई है। कोयल की माँ बार बार द्वार तक आकर देखती होगी कि हमारी कोयल रानी घर अभी तक आई कि नहीं आई। कवित्री ने कोयल को बड़े सवेरे क्यों बुलाया है? कवित्री ने कोयल को बड़े सवेरे फिर से बुलाया है कि कोयल उस तरु के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर फिर से गाना गाती रहेगी और हम नीचे सुन सुन कर नाच करते रहेंगे, हमारा मन बहलाता रहेगा। बच्चे, इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखने के बाद आप शब्दार्थ को भी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे, वाचन करेंगे। संदेशा, संदेश, समाचार, मेघ, बादल, मनमाना, अपनी इच्छा से, मिठास, मीठापन, द्वारे, दरवाजा, तरु, पेड़। शब्द अर्थ करने के बाद आप एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। इस प्रोजेक्ट वर्क में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का एक तस्वीर आप लगाएंगे और उसके जीवन वृत्त को एक पन्ने में संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। तत्पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप बना करके आप अपने शिक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। शिक्षक उसमें संशोधन कर करके उन प्रश्नों को दोबारा आपके लिए डालेंगी। इन कामों को कर करके आप अपने व्हाट्सएप में डाल लिए। उसके बाद अगला जो काम है वह शब्द ज्ञान का है। शब्द ज्ञान व्याकरण संबंधित ज्ञान है। इन कामों को फिर आप करेंगे। पहले में पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ उन शब्दों से होता है जब एक शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों को लिखे जाते हैं। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं जैसे तरु, वृक्ष, पेड़, आम, आम्र, रसाल, कोयल, पिका, कोकिला, घर, भवन, निवास। तो आप अपनी कॉपियों में जो इनके पर्यायवाची शब्द होंगे वो आप छांट कर लिखेंगे, जो पर्यायवाची नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। फिर विलोम शब्द लिखना है, आपको पता ही है, उल्टा अर्थ वाले शब्द लिखने, जैसे ऊपर का नीचे, मीठी खट्टी, धरती आसमान, सच झूठ, धूप छांव, खुश दुख। अब समान तुक वाले शब्द आपको बनाना है, जैसे गाना, मनमाना, आई तो बाई, लड़ाई, रानी, पानी, नानी, प्यारी, न्यारी, बुलाती, जाना, आना इत्यादि। भाषा ज्ञान में हम लोग अब पढ़ेंगे वैसे शब्द जिनसे कर्ता के द्वारा काम करने का बोध होता हो, तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना, जाना, खाना, ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो ऊपर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उन पंक्तियों से ये काम करने वाले शब्दों को, क्रिया शब्दों को छांट करके आप लिखेंगे। वर्ण विच्छेद करना है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वैसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं, और वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को छांट छांट कर आप लिखेंगे। उदाहरण स्वरूप कोयल, तो कोयल में क हलंत, जोर ओ की मात्रा, य हलंत, जो जोर अ की मात्रा, ल हलंत, जोर अ, कोयल, डाली, ड हलंत, जोर आ, ल हलंत, जोर दीर्घ ई की मात्रा, मिठास, म हलंत, जोर हर्ष ई, ठ हलंत, जोर आ, स हलंत, जोर अ, मिठास। नीचे
संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों को लिखना है। कोयल कैसी है, तो कविता में कहा गया काली कोयल। कैसा गाना गाएगी, तो मीठा गाना, मधुर गाना। धरती कैसी है, तो प्यासी धरती है। आपकी बोली कैसी है, तो मीठी बोली। कैसा धूप, तो कड़ा धूप, कड़ी धूप। बादल, आम, माँ, इन शब्दों के लिए आप अपने से सोच सोच कर लिखेंगे। इन कलमों को आपको कॉपी में करना है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में वाचन कौशल, जो गतिविधि हम बोल करके करते हैं उसे हम वाचन कौशल कहते हैं। कवित्री के अनुसार कोयल की प्रतीक्षा में उसकी माँ अवश्य घबराती होंगी। आपकी माँ आपके इंतजार में क्या क्या करती है, आप अपने मम्मी को, अपने पापा को या घर में जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें बताएं, फिर उनमें सुधार करें और सुधार कर करके इसे कथन के रूप में लिखें, वार्तालाप के रूप में लिखें। फिर एक प्रोजेक्ट वर्क होगा कि आप एक कोयल का चित्र चिपकाएं और कोयल के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं उन बातों को लिख करके एक आलेख तैयार करें। फिर नीचे एक चित्र दी गई है, इस चित्र को ध्यान से देख करके एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास करें। इन कामों को करने के बाद जहाँ भी दिक्कत हो आप अपने शिक्षक से संपर्क करके, उनके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, या मुझसे मेरे भी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृष्णा विद्यास्थली कांटी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन स्वतः पहुँच जाएगा। धन्यवाद।